और कपड़े में सिलाई लगा दी, देन उसके बाद इसे सूत पे सिला जाएगा हाथ। थोड़ा थोड़ा सूट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग होने वाला है सूट की सिलाई के ऊपर। अगर आप भी मुझसे सूट सिलना सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। फन, ये है मजाक। यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ, भाभी का सूट है उसे सिल रही हूँ। मुझे पढ़ाई करनी थी, हेल्प कर दो। और पता ही क्या है, ये बुकरम है नहीं तो मैं एक जुगाड़ लगाई थी, ये पेपर है इसको मैं बुकरम का इस्तेमाल करूँगी, बुकरम की जगह इसका इस्तेमाल करूँगी। और देखना गले को कैसे कटिंग करती हूँ। और भाभी गई नीचे खाना बनाने और मैं यहाँ लगी हुई हूँ। बट फिलहाल मुझे बताएं, ये काम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी का, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम मिस करना है। सोच नहीं थी ब्लॉग बनाने की, मतलब सोच नहीं रही थी कि कर लेती हूँ ये वाला काम, बट मैंने कहा स्टार्ट कर देती हूँ। चलो दोनों काम, फ़ोन रखा था, फ़ोन चार्ज नहीं था, मैंने चार्ज पर लगा दिया, फटाफट फ़ोन चार्ज हो गया और मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर दी। बिकॉज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा थकी हुई सच में, कमर में भी दर्द हो जाता है, इतनी सारी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा बोलती हूँ चलो सूट भी कर लेती हूँ। सो पेपर की जुगाड़ से देखो मैंने ये गले की कटिंग कर ली हूँ, सूट के गले की कटिंग। अब इसको मैं स्विच करूँगी बिकॉज मशीन इस तरीके से इस पेपर को गले के जो पीस कट किया है ना कपड़े का, उसमें मैं ज्वाइंट करूँगी। ये तरीका मुझे दीदी ने बताया था, मैंने खुद से ही सीखा है। अगर दीदी सिलाई करती थी ना तो मैं उन्हें देखती रहती थी, फिर उनसे ही सीख गई, कहीं बाहर जाके नहीं सीखा मैंने। और कपड़े में सिलाई लगा दी, देन उसके बाद इसे सूट पे सिला जाएगा हाथ की सिलाई से। भाभी और मैं दोनों अब इसको सूट के साथ सिलेंगे इस तरीके से, वो धागे में धागा और सॉरी क्या कच्ची सिलाई, हाँ इसको कच्ची सिलाई कह सकते हैं। भाभी भी आ गई है हेल्प करने के लिए, दोनों से लेके चलो। हाँ मैंने ये फोन को पकड़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा पार्थ भी वीडियो बनाएगा। ओ पार्थ भी आ गया है, नोटी बच्चा। ठीक है तो अब सिलना स्टार्ट करते हैं। अब फिर से मशीन में सिलाई लगाई जा रही है। हाँ पार्थ भी करेगा है, पार्थ आप भी करोगे, आप सिलाई करोगे। चलिए तो फिर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ आप करेंगे? ये क्यों निकाला? ये मैंने निकाला, ये पार्ट निकाला। गर्मी में ऐसे कपड़ा पहनने की नहीं है। हाँ जी फटाई चल रही है। सिलाई को कट कर दिया और ये सिल्क पेपर फाड़। अब ये जो सिलाई की है सूट में, अब इसको कट किया जाएगा, इसके गले को पार नहीं। मुझे डर बच गया, ये नहीं करने देगा, ये नहीं बनाने देखो दरवाजे। अब सिलाई हो गई, सिलाई मतलब जो सूट है ना उसके गले के साथ उसको जॉइंट कर दिया है। जो गले की डिजाइन बनाई गई थी ना स्क्वायर शेप में कह सकते हैं इसको, मतलब सिंपल ही है सूट की डिजाइन, उसको कट करके मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे निकाल रही हूँ। और देखो ये ऐसे कट हो गया, ये कटिंग मारी ठीक है सही है। अब इसकी सिलाई निकाली जाएगी, जो सिलाई लगाई थी वो सिलाई निकालेंगे। कौन सी वाली सिलाई निकालेंगे? ये वाली जो हमने हाथ से कच्ची सिलाई लगाई थी ना वो वाली। फिर मैं भूल तो नहीं है, नहीं सही किया है, यस नहीं सही किया है, फिर मुझसे ही नहीं गलती हो जाए। हाँ नहीं गत्थे पे नहीं लगी वाली, बता हाँ क्यों नहीं? देखो ये वाली सिलाई निकाल दूंगी ना कच्ची वाली, तो ये इसमें आ जाएगा।
बता नहीं ऐसे नहीं, नहीं तभी तो वो बैठ जा रही है, जा नहीं रही है। जो कच्ची सिलाई होती है उसको निकाल देते हैं, और आप देख सकते हैं बुकरम नहीं है, फिर भी हम जुगाड़ में लगे हुए हैं, जुगाड़ से कर रहे हैं। देखो ये लड़का सुन लेता है और भगा चला आता है फोन को। देखो इस तरीके से निकाल दिया, अब इसको बैक साइड लेके जाएंगे। इस तरीके से इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे तो बड़े बात नहीं, ये अभी अच्छे से सिलेगा ना तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सिला लिया, अभी मैं सिलाई काट मान जाओ। अब इसकी सिलाई लगाई जाएगी, मतलब फिर से सिलाई वर्क। पहले तो थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा टाइम नहीं रखा, चलो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे सिलाई रहने देना। अब थोड़ी सी फिर से इसकी सिलाई लगाई जाएगी। ओहो धागा, ये धागा जो निकल जाता है ना बहुत परेशान करता है। मुझे थोड़ा सा काम है इस वजह से जल्दी हो रही है, पर कितने भी जल्दी कर लो टाइम लगता ही है किसी चीज़ को। और सूट खराब हो गया तो न्यू सूट है, भाभी कहेंगे मेरा सूट खराब कर दिया दीदी आपने जल्दी के चक्कर में, इसलिए आराम से कर लेती हूँ। सब तो आराम से रहिए, एक गलती तो यही हो गई देख लो, क्योंकि धागा नहीं लगा पाई मैं, वो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं कर पाई। इस तरीके से फ्रंट साइड में सिलाई, जो ये पता है बैक साइड का गला है, ये उसकी जो मतलब जो सीधे तरफ की सिलाई है ना वहाँ से करूँगी। समझाने में आपको शायद समझ आ जाए, हमें सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट ले रही हूँ बिकॉज सब अभी काम में लगी हुई है। मैं अपने आप सूट करते हुए अब वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पार्थ भी डिस्टर्ब कर देता, फ़ोन को गिरा देता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सूट कर रही हूँ आपको मैं बता रही हूँ। अब यहाँ ये सूट की बाजू कटिंग होगी, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हो गई कैसे काटना है, क्योंकि थोड़ा मैं भुलक्कड़ सी हूँ, थोड़ा भूल गई, याद नहीं आ रहा कैसे काटूँ। चलो तो फिर मैं अब बाजू कटिंग कर देती हूँ। वहाँ पार्ट खेलने में लगा हुआ है, अकेले मस्ती कर रहा है, चलो तो मैं काटती हूँ। यहाँ मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया, बाजू को जॉइंट करना सूट में। और वहाँ देखो, वहाँ देखो क्या हो रहा है, मम्मी के कपड़े पहने जा रहे हैं। पार्थ पार्थ बेटा, पार्थ क्या कर रहे हैं बाबू, दिखाना मुझे अपनी अपना फेस, दिखाना पापा की बनियान, मम्मी की लगी। पार्थ बेटा ओहो सेठ बन गए, मोटे सेठ। चलिए अपनी अब सिलाई कम करती हूँ, पार्थ में मुझे इतनी आई बहुत ज्यादा। सुबह जल्दी जल्दी अब सिलाई मार रही हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं ट्यूशन करने के, जल्दी से उसे फिट करके जाती हूँ, फिर पता तो चले वरना ब्लॉग भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। कैसे सिलाए क्योंकि फास्ट फास्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी थोड़ा पार्ट भी था ना अब नीचे चला गया है, वरना कभी हुआ मैं चलाऊँगा मशीन, मैं चलाऊँगा ऐसे करने लग रहा था। और यहाँ भाभी भी जो भी फटे पुराने कपड़े हैं उनकी फिटिंग में लगी पड़ी है, फाड़ फाड़ के फेंक रही नहीं लाने का प्लान हो रहा है कि नए कपड़े आ जाए मेरे लिए, इसलिए पुराने कपड़ों को फेंका जा रहा है। वाह बहुत अच्छे, लड़कियों का यही काम होता है, सही कह रहे हो, करेक्ट। तो मैं तो जल्दी जल्दी लगी पड़ी सिलाई करने में, और ये फिटिंग और रहेगी लास्ट, अभी बाजू की जो बाजू होती है उनकी सिलाई कर रही हूँ। अब बाहर चला गया ना, कुछ कर दिया फ़ोन, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसी कर रही थी, लेट होने की वजह से भी जो मेरा एक काम था वो भी रह गया, और उसको कल ही करूँगी नहीं तो बच्चे जाने के बाद, क्योंकि 6:30 बजे तक तो क्या ची कर भाभी। चलो मैं जल्दी जल्दी की वजह से मुँह से कट कर रही हूँ, कैची में लेने में देर लग रही है इसलिए। अब देखो हो गए, बाजू भी फिट हो गई,
गड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए भाभी आपके सूट की है। कहोगे दीदी ये क्या कर दिया आपने है, दीदी लाइन में नहीं दिला नहीं ड्रेस आपको है। यस सही है भाई, आराम से करती हूँ, गड़बड़ी हो गई तो नहीं ड्रेस दिलानी पड़ेगी भाभी को, वरना मैं अपने लिए तो लेती नहीं हूँ, आपके लिए क्या दिलाऊंगी। बड़े हो ना। अच्छा बड़ी हूँ, सही कह रहे हो, बड़े हैं तो छोटे कुछ भी मांग सकते हैं। फिटिंग नहीं आती है मुझसे अच्छे से सूट में, काम चलाओ तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन फिटिंग थोड़ा अच्छे से नहीं सेट कर पाती। डिजिटल का सूट है बाकी से लेती रहेंगे। सो दीदी सिलाई करती थी तो उन्हें देख देख के मैंने इस तरीके से सिंपल तरीके से सिलना भी सीख लिया, सूट भी सिलना और काम चलाऊ सूट ब्लाउज में सिल लेती हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं सिखा दूँगी नॉर्मली, क्योंकि मुझे भी अच्छी से नहीं आता। ये पल्लू सी दिया है इसका नहीं मिला था। मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो वीडियो लेंथी ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए आपसे बातें कर रही हूँ। बस फाइनल लुक अब मतलब आने ही वाला है, फाइनल सूट सिलने वाला ही है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो एंड तक देखें और बता के जाएं कि मैंने सही सिलाई है नहीं सूट। इसमें भी दोनों में ऐसे कैसे, मेरे को बोल रही हूँ मैं बार बार, मुझे याद नहीं रहा सारी आपका सूट। आई होप अच्छा सिला हो, देखो हो गई सिलाई। अब मैं इसको सीधा करती हूँ, टन टन, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है, बताओ कैसा सिला है सूट। आई क्लोज, लो आई क्लोज कर लिया, मुंह खोल लिया। एक साथ इतनी सारी तो नहीं खाते, कुछ नहीं बनाता रहता है, कुछ नहीं लाता मेरे लिए, खुद खा लेते हो। भाभी डाल के दिखाना, ओ सॉरी है, ओ यस है, है ना? पहनो और दिखाओ लास्ट में। टेस्टी है, थैंक यू बेटा, है ना? मेरा ऐसे रूटीन बना रहा था। सही कह रहे हो, पार्क लाए मुंगोली खाने के लिए। सही कह रहे हो, देखो अभी विदाउट फिटिंग का है ना ये, अब फिर फिटिंग करूंगी, बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, अभी बिना फिटिंग के ऐसे ही सिल गया। ठीक है, अभी फिटिंग मैं फिर कर दूंगी आपकी, ठीक है? ओके, अभी मैं जाती हूँ, बच्चे बैठे हुए नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं बैठे बैठे थोड़ा सा थक गई हूँ, वहाँ तकिए की सहारा लेकर आराम से बैठूंगी। बेटा वेदांश अपनी बुक पैक कीजिए, हेलो लास्ट है ये, अब छुट्टी हो गई ट्यूशन की, जस्ट अब फ्री हुई हूँ मैं समथिंग। यहाँ पर क्लॉक नहीं है वरना मैं दिखाती आपको, क्लॉक नहीं है वरना मैं दिखाती, सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब कमर में भी पेन होने लगे, आज बच्चों को तकिए के सहारे बैठ कर पढ़ाया है, तो अभी बस जा रहा है वेदांश से, लास्ट सब चले गए, बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों को पढ़ाने के बीच में, मोबाइल ऑन करने का सांस मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसे थक जाती हूँ कि ध्यान ही नहीं रहता कुछ। मैं सोच रही थी थोड़ा सूट कर लूँ, बच्चे आएंगे उस टाइम का और जाएंगे उस टाइम का, लेकिन जब बच्चों को नमस्ते का इतनी जल्दी होती है जाने की, होमवर्क देते पेरेंट्स आते भाग जाते, अब लास्ट थे मतलब सब चले गए, और मैं फ्री हो गई अब जाऊँगी थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ, थक गई हूँ ना कमर सीधी कर लूँगी ऐसे लेट के, और फिर शाम का दिखा
शाम की दीपक जलाऊंगी, पूजा करूंगी भगवान जी का, थोड़ा ध्यान ध्यान करूंगी, मन शांत करूंगी, बिकॉज जो मन में ऐसे ऐसे सारे थॉट आते रहते हैं ना, क्या होगा लाइफ में, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान जी है ना हमारे साथ, सब अच्छा करेंगे, तो बस उनको थोड़ा ध्यान करूंगी। ओके, ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, थोड़ी सी सपोर्ट कर देना, मुझे आता नहीं है कुछ भी, पर धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख रही हूँ, ब्लॉगिंग नहीं आती थी ना मुझे, पर थोड़ा फिर भी मैं बहुत बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग्स को, पर पता नहीं क्यों लाइक ही नहीं आते ना व्यूज़ आते, आज तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बस स्टार्टिंग भी मतलब ऐसे कर ही दिया, कुछ प्लान नहीं था कि स्टार्ट करूँगी आज का ब्लॉग, बट मैंने ऐसी प्लानिंग नहीं था, बट मैंने बना ही दिया। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, माता रानी जय माता दी, तो देखते हैं कल से ब्लॉग बनता कि नहीं, अभी फ़िलहाल मेरा फोकस सिर्फ स्टडी पर है, मेरा ज़्यादा ध्यान स्टडी पर, माइंड फ्रेश करने के लिए एक दो शॉर्ट्स डाल देती हूँ यूट्यूब पर। चलिए तो ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, लाइक भी